हेलो एस्पिरेंट्स, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एजुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट 1 से 15 जुलाई तक। तो चलिए सीधा नेशनल इवेंट को कवर करते हैं, जिसका सोर्स है PIB, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता एंड अदर्स। अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वाज टेस्टेड बाय DRDO इन June 2024। अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जो DRDO ने June 2024 में टेस्ट किया। इसका मेन मकसद है कि ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स के लिए एक रियलिस्टिक टारगेट प्रोवाइड करे। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाता है, मतलब एक्सपेंडेबल है। इससे डिफेंस फोर्सेज को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में काफी मदद मिलती है, क्योंकि ये उनके रियल सिचुएशन जैसा एक्सपीरियंस देता है। द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ ग्रांट ऑफ $1.5 बिलियन फॉर इंडियाज ग्रीन एनर्जी कैंपेन। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के ग्रीन एनर्जी कैंपेन के लिए $1.5 बिलियन का ग्रांट अप्रूव किया है। वर्ल्ड बैंक की एस्टैब्लिशमेंट जुलाई 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर Washington DC में है। अभी इसके प्रेसिडेंट अजय बांगा हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, $1.5 बिलियन का ग्रांट अप्रूव किया है, लोन नहीं। किसने अप्रूव किया? वर्ल्ड बैंक ने। किस लिए? ग्रीन एनर्जी कैंपेन इंडिया के। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर मझी लड़की बहिन स्कीम विद द एम ऑफ एम्पावरिंग वीमेन। अंडर दिस स्कीम मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1500 विल बी प्रोवाइडेड टू मैरिड, अनमैरिड, विडोड, डिवोर्स्ड, अबंडेंड एंड डेस्टिट्यूट वीमेन अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर मझी लड़की बहिन स्कीम लॉन्च की है, जिसका मकसद वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण है। इस स्कीम के तहत 21 साल से ऊपर की मैरिड, अनमैरिड, विधवा, डिवोर्स्ड, अबेंडेंड और डेस्टिट्यूट महिला को हर महीने 1500 की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। इंडिया हैज डिसाइडेड टू होस्ट दी 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग इन July 2024 एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। भारत ने डिसाइड किया है कि वो 46वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग होस्ट करेगा जुलाई 2024 में, और ये मीटिंग भारत मंडपम नई दिल्ली में होगी। नीति आयोग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड संपूर्णता अभियान, अ प्रोग्राम। इट इज अ 3 month कैंपेन रनिंग फ्रॉम 4th July to 30th September 2024। इट हैज बीन लॉन्च विद अ फोकस ऑन अचीविंग 12 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये एक 3 महीने का कैंपेन है जो 4 जुलाई से शुरू होकर 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। इस अभियान का मेन फोकस 12 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स का अचीव करना है, जो कि 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंडिया में पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से अफेक्टेड हैं। ये प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तरह ही ब्लॉक के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का एम रखता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ज्वाइंड द मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट नेक्सस टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट बाय इंटरकनेक्टिंग डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट नेक्सस नाम का एक मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव ज्वाइन किया है। इसका मेन गोल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट को इनेबल करना है। ये प्रोजेक्ट डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को इंटरकनेक्ट करेगा, मतलब अगर कोई इंडिया से बाहर पेमेंट भेजना चाहते हैं या रिसीव करना चाहता है तो ये सिस्टम यूज करने से ये प्रोसेस बहुत फास्ट और एफिशिएंट हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि लोगों को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और उन्हें इजी एक्सेस मिलेगा, क्योंकि लोग बिना किसी रुकावट के पेमेंट कर सकेंगे।
In July 2024, a 41,000-year-old ostrich nest was found in Prakasam, Andhra Pradesh, which is the oldest nest of its kind in the world. जुलाई 2024 में प्रकाशम आंध्र प्रदेश में एक 41,000 साल पुराना ऑस्ट्रिच नेस्ट मिला है। ये नेस्ट इस टाइप में दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट नेस्ट है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर गॉट नवरत्न स्टेटस। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है उसे नवरत्न स्टेटस मिला है। इंडिया हैज लॉन्च्ड द फाउना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, taking a big step towards the protection of wildlife. India has become the first country in the world to prepare a list of all its wildlife. 1,04,561 species are listed in this list. This initiative has launched by Union Environment Minister Sri Bhupendra Yadav on the occasion of the 109th Foundation Day of Zoological Survey of India. India ne फाउना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया है, जो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए एक बड़ा कदम है। ये इनिशिएटिव भारत को दुनिया का पहला देश बना देता है जिसने अपने सभी वाइल्ड लाइफ स्पेसीज की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में टोटल 104,561 स्पेसीज शामिल है, जो की वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी और रिचनेस को दिखाता है। ये इनिशिएटिव यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया गया था और ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 109वें फाउंडेशन डे के मौके पर हुआ। द टू डे ग्लोबल इंडिया एआई समिट ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली इंडिया इन जुलाई 2024। The conference has been hosted by the Ministry of Electronics and Information Technology. मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हैं वो श्री अश्वनी वैष्णव हैं। दो दिन का ग्लोबल इंडिया एआई समिट जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा होस्ट किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर श्री अश्वनी वैष्णव हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्किंग प्रेसिडेंट हेमंत सोरेन 13वें चीफ मिनिस्टर झारखंड के बने हैं और ये तीसरा कार्यकाल है। तोपखाना म्यूजियम वाज इनॉग्यूरेटेड इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तोपखाना म्यूजियम का इनॉग्यूरेशन महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में किया गया। छल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ SBI। छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी SBI के नए चेयरमैन होंगे। द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम युगी युगीन भारत इज बीइंग बिल्ट इन न्यू दिल्ली सिटी विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। युगी युगीन भारत दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है जो नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। इसके कंस्ट्रक्शन में फ्रांस की मदद ली जा रही है। आशा भोसले's बायोग्राफी स्वर्ष स्वामिनी आशा वॉज रिलीज्ड इन मुंबई ऑन 28 जून 2024। आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा 28 जून 2024 को मुंबई में रिलीज हुई। साइमन मैक वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी। साइमन मैक भारत के पहले यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपॉइंट किए गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं और कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। हेल्थ साथी प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाई पेटीएम। हेल्थ साथी प्रोग्राम पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात CMO has been awarded ISO 9001:2015 certificate. गुजरात CM ऑफिस को ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। ISO एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करता है उसने अपने प्रोसेस और सर्विस क्वालिटी को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट किया है। ये सर्टिफिकेट दिखाता है कि उनका काम करने का तरीका सिस्टमैटिक है और वो अपने लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को समझते हैं। रिसेंटली सांझी क्राफ्ट मथुरा ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज गिवन GI टैग। हाल ही में सांझी क्राफ्ट जो मथुरा का है उत्तर प्रदेश से, उसको GI टैग दिया गया है।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम मीटिंग हेल्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया ऑन 11-12 जुलाई। थीम था रोल ऑफ पार्लियामेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। इनिशियल मेंबर ऑफ ब्रिक्स वॉज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। साउथ अफ्रीका ज्वाइंड ब्रिक्स एज द 5th मेंबर इन 2010। करंट मेंबर 10 हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि करंट मेंबर कौन कौन से हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में 11 से 12 जुलाई को हुई 10वीं ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम मीटिंग के लिए भारतीय डेलीगेशन अगुवाई की। इसका थीम था रोल ऑफ पार्लियामेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ब्रिक्स के पार्लियामेंट सदस्य जो पहले इनिशियल में थे वो थे ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका ने 2010 में 5वें मेंबर के रूप में ज्वाइन किया। वर्तमान सदस्य 10 हैं। द मीका माइंस ऑफ झारखंड हैव बीन डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री बाय प्रियंक कनुंगू, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2007 अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। झारखंड के मीका माइंस को चाइल्ड लेबर फ्री घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? प्रियंक कनुंगू के द्वारा। और ये कौन है? चेयरमैन है कहां के? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का गठन 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत किया गया था। द वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 हैज बीन लॉन्च बाय बजाज ऑटो लिमिटेड इन 2024। दिस व्हीकल कैन रन ऑन बोथ पेट्रोल एंड सीएनजी। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 को बजाज ऑटो लिमिटेड ने जुलाई 2024 में लॉन्च किया। ये गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी दोनों पर चल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डेडलाइन ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन टिल 31st March 2025। स्मार्ट सिटीज मिशन इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन द ईयर 2015 टू ट्रांसफॉर्म 100 इंडियन सिटीज। This scheme aims to provide necessary infrastructure, clean and sustainable environment to the cities to provide a decent quality of life to the citizen through smart solutions. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज मिशन की डेडलाइन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है। स्मार्ट सिटीज मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में 100 इंडियन सिटीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम का मकसद सिटीज को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट देना है ताकि नागरिकों को स्मार्ट सॉल्यूशन के जरिए अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। 4-day ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी GCPRS वाज ऑर्गेनाइज्ड एट भारत मंडपम, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन AIPMA एंड केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन CPMA। 4 दिन का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। इन जुलाई 2024, रजत शर्मा, चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ ऑफ न्यूज चैनल इंडिया टीवी, हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। जुलाई 2024 में रजत शर्मा, जो कि एडिटर इन चीफ ऑफ न्यूज चैनल इंडिया टीवी के चेयरमैन हैं, उनको न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मित्र वन इन नेपाल एंड बॉर्डर स्टेट्स अंडर वृक्षारोपण जन अभियान 2024। फॉर द 35 फॉरेस्ट डिवीजन हैव बीन सेलेक्टेड।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और बॉर्डर राज्यों में मित्र वन की स्थापना का ऐलान किया। इसके लिए 35 फॉरेस्ट डिवीजन चुना गया है। इन जुलाई 2024 अलाइट टैंक नेम्ड जोरावर ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड लार्सन एंड टोबो वाज अनवील्ड। द जोरावर टैंक इज स्पेशली डिजाइंड फॉर ऑपरेशंस इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। द जोरावर टैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी बाय द ईयर 2027। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई। इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट चेयरमैन समीर वी कामत हैं। जुलाई 2024 में डीआरडीओ और एलएनटी द्वारा मिलकर डेवलप किया गया लाइट टैंक जिसका नाम जोरावर है उसको अनवील किया गया। जोरावर टैंक को खास तौर पे ऊंचाई वाले एरिया में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। उम्मीद है कि 2027 तक इंडियन आर्मी में जोरावर टैंक को शामिल किया जाएगा। ऑन द ओकेजन ऑफ द अपकमिंग 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज लॉन्च्ड परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया टू ब्यूटिफाई न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट परी एम्स टू इनहेंस द एस्थेटिक एंड कल्चरल आउटलुक ऑफ दिल्ली बाय डिपिक्टिंग द रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंपनी इन आर्ट फॉर्म्स। इट इज नोटवर्थी दैट इंडिया विल होस्ट द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन न्यू दिल्ली बिटवीन 21st to 31st July 2024। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नई दिल्ली को शानदार बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी जिसका फुल फॉर्म पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है वो शुरू किया है। प्रोजेक्ट परी का एम है दिल्ली की एस्थेटिक और कल्चरल आउटलुक को बढ़ाना, देश की समृद्धि इतिहासक और कल्चरल विरासत को आर्ट फॉर्म में दिखाकर। ये बात ध्यान देने योग्य है कि इंडिया नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां सेशन होस्ट करेगा। अ मैसिव एंड ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा हैज बीन स्टार्टेड इन पुरी उड़ीसा इन जुलाई 2024। जुलाई 2024 में पूरी उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा का एक भारी और शानदार उत्सव शुरू किया गया। कहां? पूरी उड़ीसा में। द इंडियन एयरफोर्स हैज रीच्ड डार्विन एयर बेस टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज पिच ब्लैक ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। दिस एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 12th July to 2 August। इंडियन एयरफोर्स डार्विन एयरबेस तक पहुंच गया है ताकि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित किए गए मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम पिच ब्लैक है उसमें भाग ले सके। ये एक्सरसाइज 12 जुलाई से 2 अगस्त तक चलाई जाएगी। On July 12, 2024, the central government has announced to celebrate 25th June every year as the Constitution Assassination Day. It is noteworthy that from 25 June 1975 to 21st March 1977, national emergency was imposed in India by Indira Gandhi's government, in which constitutional provisions were allegedly suppressed. National emergency is declared under Article 352 of the Indian Constitution. 12 जुलाई 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर साल 25 जून को कॉन्स्टिट्यूशन असासिनेशन डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये बात ध्यान देने योग्य होगा कि 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एलिजिली दबाया गया था। नेशनल इमरजेंसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत घोषित की जाती है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 रिलीज्ड बाय मॉसर मुंबई हैज बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया।
with 136th position globally. New Delhi has been ranked 165th. Mercer analyzed 226 cities in this list. Top 3 most expensive cities: Hong Kong, Singapore, Zurich. Cost of living city ranking 2024 जो Mercer ने रिलीज किया है उसमें मुंबई को इंडिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है जो ग्लोबली 136वें पोजीशन पर है। न्यू दिल्ली को 165वां रैंक मिला है। Mercer ने इस लिस्ट में 226 शहरों की एनालिसिस किया है। टॉप 3 सबसे महंगे शहर हैं हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिच। इट हैज बीन अनाउंस्ड दैट अ टी स्क्वायर विल बी बिल्ट इन तेलंगाना इंडिया ऑन द लाइंस ऑफ टाइम स्क्वायर इन न्यूयॉर्क। तेलंगाना इंडिया में एक टी स्क्वायर बनाने का घोषणा किया गया है जो न्यूयॉर्क के फेमस टाइम स्क्वायर के जैसा होगा। रिसेंटली द लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 हैज बीन रिलीज्ड बाय नीति आयोग। इंडियाज ओवरऑल एसडीजी स्कोर अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स इज 71। टॉप परफॉर्मर्स केरला 79, उत्तराखंड 79, बिहार इज एट द बॉटम विथ 57 पॉइंट्स। हाल ही में नीति आयोग द्वारा लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिलीज किया गया है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत का ओवरऑल एसडीजी स्कोर 71 है। टॉप परफॉर्मर्स हैं केरल 79, उत्तराखंड 79, बिहार सबसे नीचे है जिसका स्कोर 57 पॉइंट है। फजीलिका डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब has became the first district of Punjab to start bag free day to promote creativity among student. पंजाब का फजिलका डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो बैग फ्री डे शुरू कर रहा है ताकि स्टूडेंट के बीच क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सके। इन जुलाई 2024 इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज बिकेम द मोस्ट फॉलोड ग्लोबल लीडर ऑन एक्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर विथ मोर देन 100 मिलियन फॉलोअर। जुलाई 2024 में भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी एक्स पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। इंदौर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ 11 लाख ट्रीज इन अ डे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें एक दिन में सबसे ज्यादा लगभग 11 लाख पेड़ लगाया गया। 400 मेगावाट सोलर प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक इन सुरेंद्र नगर गुजरात। सुरेंद्र नगर गुजरात में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 400 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल किया गया है। संज्ञान मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मनोज यादव। दिस ऐप विल प्रोवाइड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज विच विल बी कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई। संज्ञान मोबाइल ऐप को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल मनोज यादव द्वारा लॉन्च किया गया। ये ऐप 3 नए क्रिमिनल लॉज के बारे में गहरा जानकारी प्रदान करेगा जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं। असम्स फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम वॉज स्टार्टेड। इट इज वर्थ नथिंग दैट उड़ीसा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द सेंटर्स विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018। असम का पहला विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम शुरू किया गया। ये बात ध्यान देने लायक है कि उड़ीसा पहला राज्य था जिसने सेंट्रल विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को 2018 में लागू किया था। इन जुलाई 2024 यूनियन कोल एंड मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्च द निर्मन पोर्टल एन एक्सेलेंट इनिशिएटिव टू रिवार्ड द कैंडिडेट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन।
दिस इज अ CSR स्कीम लॉन्च बाय कोल इंडिया लिमिटेड फॉर द मेरिटेरियस यूथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट ऑपरेट्स इन विच फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1 lakh विल बी गिवन टू द यूथ हु पास द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ UPSC एलिजिबिलिटी फैमिली इनकम बिलो देन ₹8 lakh बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन थर्ड जेंडर रेसिडेंट ऑफ एनी ऑफ द 39 डिस्ट्रिक्ट वेयर CIL ऑपरेट्स जुलाई 2024 में यूनियन कोल एंड माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने निर्मन पोर्टल लॉन्च किया जो नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस एग्जामिनेशन के कैंडिडेट को रिवार्ड देने के लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। ये कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई एक CSR स्कीम है उन जिलों के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए जहां ये ऑपरेट करता है, जिसमें जो युवा UPSC के प्रीलिम एग्जाम को पास करते हैं उन्हें ₹1 lakh की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। इसका एलिजिबिलिटी है फैमिली इनकम लेस देन 8 lakh होना चाहिए, SC ST वुमेन थर्ड जेंडर से संबंधित होगा, कोल इंडिया लिमिटेड के ऑपरेट होने वाले किसी भी 39 जिले का निवासी होना जरूरी है। इन जुलाई 2024 द चीफ ऑफ एयर स्टाफ इनॉग्यूरेटेड द वेपन सिस्टम स्कूल WSS एट बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन हैदराबाद स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। जुलाई 2024 में एयर चीफ मार्शल ने बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन हैदराबाद में वेपन सिस्टम स्कूल WSS का इनॉग्यूरेट किया जो इंडियन एयरफोर्स की इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करता है। The 16th edition of the joint military exercise Nomadic Elephant between India and Mongolia was conducted at Umroi, Meghalaya from 33 to 16th July 2024. India और Mongolia के बीच 16वां edition की joint military exercise Nomadic Elephant 3 से 16 जुलाई 2024 को Umroi, Meghalaya में की गई। The Bedin Khalam Mahotsav was organized in Meghalaya in July 2024. This festival is celebrated after the sowing of crops in the monsoon. Bedin Khalam Mahotsav July 2024 में मेघालय में आयोजित किया गया। ये त्योहार मानसून में फसलों की कटाई के बाद मनाया जाता है। Recently, the Jharkhand government has launched the मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना। हाल ही में झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैं कोई स्वावलंबन योजना शुरू की है जिससे 21 से 50 साल की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को महीने में ₹1000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। तो गाइज हम लोगों ने एडिटोरिया करंट कॉन्सेप्ट का नेशनल इवेंट कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एडिटोरिया का इंटरनेशनल इवेंट और बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।